हेलो किचन मम्मी दे में आप सभी का स्वागत है। तो आप रोज सब्जी या कुछ 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 तो बनते हैं, तो मैं सब कुछ ऐसे बनाए जो यूनिक भी लगे, कोई डिफरेंट भी, स्ट्रीट स्टाइल भी हो और वो भी कुकर में बन जाए, ना इंडक्शन ना ही किसी ओवन की ज़रूरत, ना कुछ। तो चलो आ जाओ, ना ही पिज्ज़ा ब्रेड की ज़रूरत भी पड़ेगी। इससे बन आप सोचोगे ये कैसे बने, तो आ जाओ देखते हैं कैसे बना। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का दिख रहा है, एकदम कुकर में वो भी इतना कलरफुल, चीज़ भी कितना अच्छे से मेल्ट। तो चलो आ जाओ बना लेते फटाफट। तो ये बस ये कौन लिया मैंने, एज यूजुअल इसमें दो या तीन ज़्यादा सब्जी घर के रखे हुए, थोड़े बहुत सामानों से यम्मी सा रेसिपी। तो बस तो ये थोड़ा कॉर्न डाला, कैप्सिकम डाला, पनीर डाल दी और कैबेज मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अगर आपको कांदा खाना हो कांदा डाल दो, टमाटो खाते हो मतलब टमाटर खाते हो वो डाल दो, और मैंने एक चीज़ सॉस डाल दिया थोड़ा सा, दो टेबल, और वन टेबल स्पून के अराउंड मेयोनीज, और एक वन टेबल स्पून के अराउंड पिज़्ज़ा सॉस, एंड देन थोड़ा सा ऑर्गेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। अच्छे से मतलब सारी सब्जियां सॉस में अच्छे से मिक्स हो जाए, लिपट जाए, जो भी बोल दो आप। तो बस इन सबको अच्छे से मिला लिए, एंड देन अब इसमें हम डालेंगे मोजिला चीज़। मोजिला चीज़ आपको जितना डालना है भर के डालो या थोड़े डालो, तो बस उस हिसाब से मोजिला चीज़ डाल दो। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो, और आप देख सकते हैं प्रॉपर ही अच्छे से सब मिक्स हो गए। तो अब हम लेंगे ब्रेड। अब पिज़्ज़ा ब्रेड कौन देखे, वो भी तो हम घर के ब्रेड घर के ही रखे हुए सामान उस पिज़्ज़ा बना लेते, वो भी बिना ओवन का। तो बस पिज़्ज़ा ब्रेड लिया, इसे ऐसे फाइन चॉप कर दे रही हूँ छोटे 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 पीस में। आई थिंक वन ब्रेड में मैंने 4 mm 4 स्लाइस किया, इज अस 32 पीस इन स्मॉल साइज, मतलब कि 32 पीस छोटे छोटे बने एक ब्रेड में। तो बस ऐसे मैंने टोटल 128 पीस बना लिए हैं, एंड देन इसे ये मेरे पास पेपर बॉल थे, इसका मैंने ऐसे लिया, इसमें मैंने दोनों में थोड़े थोड़े ब्रेड डाले वन स्लाइस, एंड देन इसके ऊपर से ये जो हमने बैटर तैयार किए थे या सॉस या मटेरियल जो भी बोलो वो तो है उसे बन लिया, स्प्रेड ऐसे कर देंगे दोनों में। देन अगेन इसके ऊपर से मैं पहले थोड़ा सा चीज़ डाल दूँगी, ज़्यादा डालना ज़्यादा डालो, थोड़ा डालना थोड़ा डालो, आप पे मैं थोड़ा ही मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ भी हो जाएगा तो भी हेल्थ के लिए बेकार है और टेस्ट भी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करके बनाते हैं। तो बस ऐसे मैंने ब्रेड भी डाल दिया, फिर अगेन इसके ऊपर से ये जो हमने बनाया था मटेरियल वो डालेंगे दोनों पे, एंड देन उसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं थोड़ा सा और दोनों में, एंड देन इसके ऊपर से थोड़े से वो जो अपने चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो होते हैं तो ऑर्गेनो में डाल दे रही हूँ इस पर, एंड देन चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ थोड़े से। और बस अब मैंने कुकर था मेरे पास वो मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था, एंड देन इसे हम रख देंगे अराउंड 10 to 15 minutes लगेगा, मैक्स टू मैक्स 15 minutes में हो जाना चाहिए, बट आपके बर्तन पर डिपेंड है, मोटा या पतला, मेरा पतला था इसलिए मेरे को 15 minutes लगा मैक्स टू मैक्स। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर भी आ गया है, कोई कह सकता है ये मतलब हमने गैस पे वो भी बिना ओवन का बनाया है, तो क्या बोलते हैं ना मज़े का, कितना चीज़ी कितना यम्मी और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, मुझे तो बड़े मज़े लगे और खाने में तो लाजवाबी लगे, ओए होए क्या टेस्टी था। और आप देख सकते कितना चीज़ी दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आती रहे, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे घर के रखे हुए सामानों से एक यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी रेसिपी मिलती रहेगी। तब तक के लिए खाओ पियो मज़े को, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।